चुनाव में जब आप अपनी जीत का दावा करते हैं आगामी चुनाव में तो क्या ये बीजेपी की नाकामियों पर आधारित है या आपके पास राज्य के लिए कोई ऐसा विजन है जिस पर जनता आप पर भरोसा करे उन उम्मीदों के साथ आपको है है जैसे जब हरीश रावत जी की सरकार थी इस प्रदेश में जिसमें हमारे बड़े भाई मणिहर सिंह रावत जी मंत्री थे और मैं उम्मीद करता हूं उसको मन नहीं कर पाएंगे उत्तराखंड का पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा जंप किया था जो कि पूरे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का एक इंडिकेटर था होता है पर एक, एक मिनट भाई साहब अब आप भी मैं आपके बीच में नहीं बोला मैं भी तो पर कैपिटा इनकम एकदम डबल से ऊपर गया था कंप्लीट करिए काजी साहब फिर मैं पर कैपिटा इनकम डबल से ऊपर गया था वो हमने करके दिखाया था हमारी सरकार ने उस समय जिसमें आप ही की सरकार को कहूंगा वो उसमें आप भी शामिल थे तारीफ आपकी भी होगी भले ही बाद में आप हट गए थे वो एक इंडिकेटर है और अभी आप अपनी सरकार के बारे में बता रहे थे दो साल कोविड के गए तो कोविड में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए ये आपने कहा अच्छा हम भी मानकर चलते हैं कोविड से पहले आपके पास तीन पूरे भरे साल थे और आपके बजट के आंकड़ों को अगर कोई पढ़े तो आपके रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बीस से तीस कम है उन तीन सालों में जो प्रोजेक्टेड आपने विधानसभा में रखे जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो 20 से 30 प्रतिशत कम हैं और जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो 40-45 परसेंट कम हैं जो आपने प्लान बजट के लिए अपने टारगेट्स रखे थे वो 40-45 प्रतिशत कम हैं भारत सरकार की एक पीएमकेएसवाई योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें पैंसठ हजार करोड़ रुपए भारत सरकार ने अलोकेट कर रखे हैं रा, राज्य की सिंचाई व्यवस्था के लिए अब एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उत्तराखंड में बंद हैं और ये 2016 में पीएम के एस वाई आई थी उत्तराखंड राज्य को एक रुपया नहीं मिला पीएम के एस वाई से उत्तराखंड राज्य को सिंचाई विभाग ठप पड़ा है जिसके कारण कृषि ठप हो गई और ऐसी जो भूमि है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूं। और कृषि सेक्टर ऐसा सेक्टर है जब सारे सेक्टर्स फेल हो गए कोविड में कृषि सेक्टर ऐसा था देश का उत्तराखंड का ही नहीं देश का जिसने पूरे देश को हमारे प्रदेश को संभालने का काम किया था ये कार्य प्रणाली हमारी भाजपा सरकार की उत्तराखंड राज्य की सरकार की